तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे निरीप शब्द रूप। मैंने यहाँ पे लिख लिया है निरीपह शब्द रूप। निरीपह का मतलब होता है राजा, सम्राट। इसको हम कहते हैं संस्कृत में निरीपह, और ये अनुवाद में बहुत बार पूछा जाता है, यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने निरीपह शब्द लिखा है अकारांत पुल्लिंग। अकारांत यानी कि ऐसे शब्द जिसके अंत में अ की मात्रा आता है, जैसे कि बालक, राम, श्याम, मोहन, कृष्ण, देव, ये सब जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो उसी में से एक शब्द है निरीपह शब्द। तो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं किस प्रकार से पढ़ा जाता है, उसके बाद हम इसका ट्रिक भी जानेंगे किस प्रकार से हम आसानी से याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो पढ़ते हैं किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो प्रथमा होता है निरीपह, निरीपौ, निरीपह। द्वितीय निरीपम, निरीपौ, निरीपान। तृतीया निरीपेन, निरीपाभ्याम, निरीपय। चतुर्थी निरीपाय, निरीपाभ्याम, निरीपेभ्य। पंचमी निरीपात, निरीपाभ्याम, निरीपेभ्य। षष्ठी निरीपस्य, निरीपयोः, निरीपनाम। सप्तमी निरीपे, निरीपयोः, निरीपेषु। और संबोधन हे निरीप, हे निरीपो, हे निरीपः। तो इस प्रकार से इसको हम पढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं कि कौन से ट्रिक है जिसके माध्यम से हमें इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ज़्यादा माथा पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि ट्रिक से आसानी से याद हो जाएगा। तो मैं आपको तीन ट्रिक बताऊंगा। पहले ट्रिक में हम पूरा एक वचन को याद कर लेंगे, दूसरे ट्रिक में हम द्विवचन को पूरा याद कर लेंगे, और तीसरे ट्रिक में बहुवचन को हम आसानी से याद कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमारा पहला ट्रिक क्या है। तो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। तो हमारा पहला ट्रिक है अमन आयत और यश, ये जवानी है दीवानी। ये हमारा पहला ट्रिक है। आइए बात करते हैं कि ये ट्रिक कैसे काम करता है। तो ये ट्रिक काम करे, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक कहानी बताता हूँ। तीन दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है अमन, आयत और यश। एक फिल्म देखने जाते हैं और फिल्म का नाम होता है ये जवानी है दीवानी। तो यहाँ से हमारा ट्रिक निकल कर आता है अमन, आयत और यश, ये जवानी है दीवानी। चलिए देखते हैं ये ट्रिक कैसे काम करता है। तो मैंने कहा अमन यानी कि आ, यहाँ पे हो जाएगा म और यहाँ पे हो जाएगा न, ये हो गया अमन। आयत यानी कि आ, यह और यहाँ लिखेंगे त, बन गया आयत। यस यानी कि यह और स, तो इस प्रकार से अमन हो गया, आयत हो गया और यस। फिर कहा ये जवानी है दीवानी, ये जवानी, ये हो गया जवानी, और है दीवानी यानी कि है दीवानी, ये हो गया दीवानी। अब बात करते हैं कि ट्रिक काम कैसे करेगी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, देखिए यहाँ पे आ है यानी कि निरीपह में आह जो है छुपा हुआ है। तो यहाँ पे निरीप प्लस आह इज इक्वल टू निरीपह। यहाँ पे हलंत मा आपको दिख रहा है, हलंत मा, तो हलंत मा लगा दे। यहाँ पे आपको न भी दिख रहा होगा तो हलंत न। यहाँ पे निरीपाय है, निरीपाय में आय जुड़ा हुआ है, निरीप प्लस आय इज इक्वल टू निरीपाय, तो आय जो है इसमें छुपा हुआ है। तब आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा हलंत तक। यहाँ पे है स्या, आधा सा और या स्या, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया है, सा को बाद में कर लिया और या को पहले कर लिया, तो बन गया यस। स्या जो है यस बन गया, तो हो गया यस। निरीपे यहाँ पे ए की मात्रा छुपा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, निरीप प्लस ए निरीपे। ये जवानी जो है मैंने ऐसे लिखा ताकि आपको अच्छा लगे और जल्दी से याद हो जाए। यहाँ पे हे निरीप है, हे आपको पहले दिख रहा है, इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो हे दीवानी। तो ये दीवानी और जवानी मैंने ऐसे ही लिखा था। बाकी हमारा ट्रिक जो है इस प्रकार से है। हाँ एक बात और कि ये जवानी है दीवानी एक फिल्म भी है और बहुत ही अच्छी फिल्म है, देखिएगा कभी मौका मिलेगा। तो ये हमारा ट्रिक है अमन, आयत, यस, ये जवानी है दीवानी। तो देखा आपने, हमने एक बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से पूरे एक वचन को याद कर लिया। इस प्रकार से है एक वचन। आइए अब बात करते हैं द्विवचन को कैसे याद करेंगे, इसके पीछे कौन सा ट्रिक है। तो इसके पीछे और मजेदार ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है, बता ही देते हैं। तो ट्रिक है आओ भैया योयो करते हैं, आओ भैया योयो करते हैं। आपने योयो हनी सिंह का नाम तो सुना ही होगा, तो बस वही करने वाले हैं आज, आओ भैया योयो करते हैं। तो देखते हैं ये जो योयो है वो कैसे काम करता है।
तो मैंने क्या कहा, आओ भैया, यानी कि आओ, यहां भी आओ और यहां भी आओ। बोलेंगे आओ लेकिन लिखेंगे आओ, तो आओ। भैया यानी कि भयाम, भैया यानी कि भयाम। देखिए यहाँ पे भयाम लगा हुआ है तो मैंने यहाँ पे भयाम लिख दिया, तो समझिएगा कि भैया है लेकिन लिखेंगे भयाम। तो तीन बार भयाम 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 है, तो हम यहाँ लिखेंगे तीन बार भयाम। आओ भैया, आओ हो गया, भैया हो गया। यो यो करते हैं, आपको लास्ट में दिख रहा होगा यो लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो गया यो, और एक बार और से यो, तो यो यो करते हैं। तो ये हमारा ट्रिक है, आओ भैया यो यो करते हैं। इसमें औ की मात्रा लगा हुआ है दोनों में, इन तीनों में भ्याम लगा हुआ है और ये दोनों में यो लगा हुआ है। इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल था नंबर है 232, मैं इसे कहता हूँ 232 फॉर्मूला। 232 कहने का मतलब है कि ये दो बार आएगा, कितना बार आएगा, दो बार, ये तीन बार आएगा और ये दो बार आएगा। तो ये है 232 फॉर्मूला, इसे हम याद रखेंगे। 232 फॉर्मूला होता क्या है, आओ भैया यो यो करते हैं। तो इस प्रकार से हम द्विवचन को आसानी से याद कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि सर इसका क्या होगा, ये तो छूट गया। देखिए ये छूटा नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है निरुपो और यहाँ सिर्फ निरुपो, यानी कि इसमें सिर्फ है जो है ऐड कर दिया गया है, तो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला दोनों सेम होता है। तो आप अगर ये याद कर लेते हैं तो आपको ये आसानी से याद हो जाता है। आइए अब बात करते हैं बहुवचन, इसके पीछे कौन सा ट्रिक लगा हुआ है। तो इसके पीछे बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। तो देखिए इसको हम समझते हैं एक छोटे से कहानी के माध्यम से। तो मान लीजिए कि एक फिल्म की शूटिंग चल रहा है और उस फिल्म का हीरो मैं हूँ, मेरे सामने एक विलन खड़ा है और हमारा डायलॉग जो है इस प्रकार से है। तो मैं कहता हूँ आ, किसको कह रहा हूँ, विलन को कह रहा हूँ आ। तो विलन कहता है ना, मैं थोड़ा सा गुस्से में हो जाता हूँ और कहता हूँ ए। तो विलन डर जाता है और कहता है भैया भैया। मैं कहता हूँ का नाम सु, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। तो इस प्रकार से हम ये जो है कहानी बना दिए। तो कहानी को फिर से एक बार दोहराते हैं, क्या है हमारा ट्रिक इसी में छुपा हुआ है। तो मैंने कहा आ, उसने कहा ना। मैंने कहा ए, उसने कहा भैया भैया। मैंने कहा का नाम सु, ये है हमारा ट्रिक। आइए देखते हैं ये ट्रिक कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था आ यानी कि आह, इसमें नृप में आह जो है छुपा हुआ है, नृप प्लस आह नृप। उसने कहा न, यानी कि इसमें न जो है लगा हुआ है। मैंने गुस्से में कहा ए, यानी कि ए की मात्रा इसमें छुपा हुआ है, नृप प्लस ए इज इक्वल टू नृप। उसने कहा भैया भैया दो बार, तो भैया और यहाँ भी भैया, ठीक है, इस प्रकार से दो बार। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी आपने कहा था भैया, यहाँ भी कह रहे हैं भैया, तो इसको आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए ऐसा समझिएगा, ये है बड़का भैया और ये है छोटका भैया। बड़का भैया तीन बार आते हैं और छोटका भैया दो बार आते हैं, ठीक है, तो ये छोटका भैया समझिएगा। तो आ, मैंने कहा आ, उसने कहा ना। मैंने कहा ए, उसने कहा भैया भैया। तो मैंने कहा का नाम सु, का नाम सु। तो का नाम सु यानी कि यहाँ लगा हुआ है नाम, तो हम यहाँ लिखते हैं नाम और यहाँ पे है सु, तो हो गया सु। का जो है ये मैंने लिखा नहीं, ये ऐसे ही था, ऑप्शनल था, तो का जो है उसको क्यों गोली मार दिए, बच गया नाम और सु, तो हो गया का नाम सु। तो इस प्रकार से हमने इसका भी ट्रिक बना लिया और बहुत ही आसानी से हंसते हंसते इसका सबका जो है ट्रिक जान लिए। अब आप चाहे कोई भी शब्द रूप उठा लो जो आकारांत पुल्लिंग हो, जैसे राम श्याम मदन मोहन, जैसे बालक देव सूर कृष्ण, ये सबका रूप आप आसानी से इसमें बना सकते हो। चलिए अब जानते हैं इसका हिंदी अर्थ क्या होगा और इसको कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इसको खुद से हिंदी कर लोगे, आपको रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, कभी नहीं, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ आपको समझाता हूँ, रटवाता कभी नहीं हूँ। तो आप जो है मेरा कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, चाहे आप 2 साल पुराना वीडियो देखिएगा आप मेरे, तो आपको समझाने वाला ही मिलेगा, रटवाने वाला कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा, मैं रटवाता नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका हिंदी अर्थ कैसे निकालते हैं खुद से। तो इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। तो सवाल ये है कि क्या आपने कारक चिन्ह याद किया है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो अगर आपने याद नहीं किया है तो याद कर लीजिएगा, और अगर याद किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अभी जो है कारक चिन्ह यूज होने वाला है। तो मेरा पहला सवाल ये है, पहला और आखिरी सवाल भी है, ठीक है, मैं ज़्यादा सवाल पूछता नहीं हूँ, बताता ही जाता ही हूँ।
तो प्रथमा जो है वो कौन सा कारक होता है और इसका चिन्ह क्या होता है, ये मेरा सवाल है। आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आइए जान लेते हैं। तो प्रथमा जो है वो होता है कर्ता कारक, कौन सा कारक, कर्ता कारक, और इसका चिन्ह होता है ने, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमें सिर्फ चिन्ह से मतलब है, कारक कारक से मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ पे कारक जो है मिटाया था, तो चिन्ह है ने, यानी कि प्रथमा का चिन्ह होता है ने। नृपः मतलब होता है राजा, तो इसका हिंदी हो जाएगा राजा ने, इस प्रकार से नृपः यानी कि राजा ने। नृपम द्विवचन है, नृपम इसका हिंदी क्या होगा, तो द्विवचन का चिन्ह होता है को, यानी कि राजा को, इस प्रकार से राजा को इसका हिंदी हो जाएगा। इसी प्रकार से तृतीया का चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह होता है से, इसका मतलब है कि हो जाएगा राजा से। ये किसका हिंदी हो रहा है, ये इसका हिंदी हुआ नृपेन यानी कि राजा से, नृपम यानी कि राजा को, नृपः यानी कि राजा ने। नृपाय का हिंदी क्या होगा, तो चतुर्थी का चिन्ह होता है के लिए, क्या होता है के लिए, तो इसका हिंदी हो जाएगा राजा के लिए। कितना सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल तरीका है निकालने का। हम बेकार में टेंशन लेते रहते हैं कैसे होगा कैसे होगा, अरे ऐसे होगा, इतना सिंपल तरीका तो है। पंचमी जो है इसका चिन्ह होता है से, तो इसका हो जाएगा हिंदी राजा से। देखिए आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा राजा से और यहाँ पे भी, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक पास आने वाला होता है और एक दूर जाने वाला होता है। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन पास आने वाला है कौन दूर जाने वाला है, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ पहले ही पढ़ा दिया है, तो आप देखते हो मैं आपको कितना आपको याद रहता है, तो आप कमेंट लिखिएगा। षष्ठी जो है इसमें चिन्ह होता है काके की, षष्ठी का जो है इसका चिन्ह होता है काके की, तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक चिन्ह लिखा हूं का, तो इसका हिंदी हो जाएगा राजा का, राजा के भी हो सकता है लेकिन जगह नहीं है तो मैं की जो है नहीं लिखूंगा, का के की तीनों चिन्ह होता है, तो राजा का या राजा की। सप्तमी इसका चिन्ह होता है मे पै पर, तो मैं एक चिन्ह लिखता हूँ मे, इसका हिंदी हो जाएगा राजा मे, इस प्रकार से राजा मे, इस प्रकार से इसका हिंदी हो गया। संबोधन हे नृप, इसका हिंदी क्या होगा, तो इसका हिंदी हो जाएगा हे राजा, ठीक है, हे राजा यानी कि हे नृप, बस ऐसे। तो इस प्रकार से हमने इसका हिंदी लिख लिया। अब हम जानते हैं कि क्या इसी प्रकार से द्विवचन और बहुवचन का हिंदी लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं। यहाँ पे हो जाएगा दो राजा ने, क्या हो जाएगा दो राजा ने, जैसे कि मैंने यहाँ पे राजा ने, या फिर कह सकते हैं कि एक राजा ने किया, तो चिन्ह वही रहेगा, बस द्विवचन है तो संख्या बदल जाएगा, यहाँ एक से हो गया दो, दो राजा ने, यहाँ बहुवचन होगा तो लिखेंगे अनेक राजा ने, अनेक राजा ने, इस प्रकार से इसका हिंदी हो जाएगा। तो आइए इसका सबका हिंदी जो है हम बारी बारी से करेंगे, कैसे करेंगे ये आपका काम है, आपको मैंने सिखा दिया है, अब आप चुटकी बजा के ऐसे इसका हिंदी कर सकते हैं, कैसे चुटकी बजा के ऐसे, अरे वाह ये तो हिंदी हो गया, तो इस प्रकार से आप भी हिंदी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने सीखा कि नृप शब्द रूप कैसे बनता है, इसका ट्रिक क्या होता है और इसका हिंदी अर्थ कैसे होता है, तो हमने आज सब कुछ सीखा है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही,